शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि श्रावण मास इस वर्ष 2 महीने का क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास है जो कि 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो शुद्ध सावन होगा वो 17 जुलाई तक रहेगा और इस वर्ष जो सावन का महीना है वो 2 महीने तक के रहेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ रहा है जो कि 5 महीने का होने वाला है। और क्योंकि पुरुषोत्तम मास में महीने बढ़ गए हैं तो सावन का महीना भी इस वर्ष 2 महीने का होने वाला है। तो जो सोमवार के व्रत रखे जाएंगे वो 4 नहीं बल्कि 8 होंगे। 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होगी, साथ ही साथ 30 अगस्त को ही सावन का महीना खत्म होगा और इसी दिन हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार पुरुषोत्तम मास में अधिक मास होने के कारण सावन का महीना 2 महीने का हो रहा है। यह जो दुर्लभ संयोग है यह 19 वर्ष के बाद आया है, जब आप श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक साथ कर सकेंगे। तो देवों के देव महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं, जब भगवान विष्णु अपनी देव शयनी एकादशी में पतार लोक में चले जाते हैं तब पूरे सृष्टि का कार्यभार शिव परिवार पे आता है और भगवान शिव का परिवार ही सृष्टि का संचालन करता है। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार महादेव को प्रसन्न कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दिन के अनुसार महादेव की आराधना किस प्रकार करें, अपनी राशियों के अनुसार महादेव का अभिषेक कैसे करें और आपके जीवन में अगर कोई विशेष परेशानियां चल रही है तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सावन के दिन से कि 4 जुलाई से जब श्रावण की शुरुआत हो रही है तो जिस भी दिन पहला सोमवार पड़े उस दिन आप भगवान शिव पर बेलपत्र से गंगा जल से उनका अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे और उनकी अपार कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी। साथ ही साथ अगर आप सावन के मंगलवार के दिन शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी पर लाल चंदन का लेप करें, उन पर त्रिपुर लगाएं और साथ ही साथ बेलपत्र चढ़ाते हुए धतूरा भी चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप मंगलवार के बाद बुधवार के दिन शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव जी का श्रृंगार आप हरे मूंग से करें, हरे मूंग का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ नंदी को जरूर पूरे सावन भर आप अगर चारा खिलाते हैं तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ जब आप गुरुवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आप केसर से भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ ही साथ केसर और पीले चंदन से भगवान शिव का श्रृंगार करें और उन्हें केले और केसर से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी। साथ ही साथ अगर आप शुक्रवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आप चावल से भगवान शिव की आराधना करें, चावल चढ़ाएं भगवान शिव पर, गोमती चक्र चढ़ाएं सफ़ेद भगवान शिव पर और साथ ही साथ मिश्री भी भगवान शिव को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप शनिवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो सरसों तेल से काले तिल के साथ आप भगवान का अभिषेक करें। इससे शनि जनित आपके जीवन में कोई भी दोष होगा तो इससे आपको लाभ होगा और भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी। साथ ही साथ अगर आप रविवार के दिन भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आप गुड़ मिश्रित शहद के साथ भगवान शिव को के अभिषेक करें, भगवान शिव का श्रृंगार करें। इससे आपके जीवन में सूर्य जनित कोई दोष होगा तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार आप सप्ताह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव भोले भंडारी होते हैं, अगर आप भगवान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक लोटा जल गंगा जल मिलाकर भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि भी आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हम पूरे साल भर ढूंढते हैं लेकिन हमें
समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो ये जो दो महीने का समय जब शिव आराधना का समय आपको प्राप्त हो रहा है, तो इस समय आप शिव जी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राशियों के अनुसार ऐसा हम क्या करें कि भोले भंडारी हम पर प्रसन्न हो जाएं और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हो। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपको भगवान शिव का जो अभिषेक है वो रक्त चंदन से मिश्रित जल में मिलाकर आप जल लें, उसमें गंगा जल मिश्रित करें, लाल रक्त चंदन उसमें मिलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान का श्रृंगार लाल फूलों से करें और पूरे समय बेलपत्र चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और बेलपत्र में रक्त चंदन से आप ओम लिखकर भी अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में अगर कर्ज बढ़ रहा है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनकी कृपा दृष्टि से आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी राशि वृषभ है और आपके जीवन में धन से संबंधित कोई ऐसी समस्या चल रही है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप सावन महीने में ये उपाय अवश्य करें। आप 108 अखंडित चावल लें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रतिदिन 108 चावल भगवान शिव को अर्पित करें और एक लोटा जल चढ़ाएं और उनसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने जो भी समस्या है भगवान शिव के समक्ष प्रकट करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है तो उसका वो उपाय करें और आपको अपनी शरण में ले लें। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको प्रतिदिन सावन में नंदी को चारा खिलाना चाहिए, साथ ही साथ हरी मूंग का इस दिन आप दान करें किसी गरीब असहाय व्यक्ति को, साथ ही साथ आप गन्ने के रस से और हरी मूंग शिव जी को अर्पित करें और पूरे समय बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपको लाख प्रयास के बाद भी उतनी सफलता मिथुन राशि वालों को नहीं मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपको काल सर्व दोष हो, तो इस उपाय इस समस्या से निकलने के लिए आप नाग पंचमी के दिन जो कि श्रावण मास में पड़ती है एक नाग नागिन का तांबे का जोड़ा अभी उनका अभिषेक कर बहते हुए जल में प्रभावित करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अगर आपकी राशि कर्क है और आपको लगता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त हो रहा है या आपके जीवन में टेंशन बढ़ रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपके लोगों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को भी लेकर कोई विवाद की स्थिति है या आपके मन में हमेशा उलझन रहती है या आप कोई भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हो और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति रहती है, तो आप जल से और कच्चे दूध से मिश्रित अखंड धारा लगाएं भगवान शिव पर और बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य संपन्न होने लगेंगे। तो अगर आपकी राशि सिंह है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कार्य को लेकर बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, लाख आप प्रयास करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो सावन मास में उपाय आप अवश्य करें। आप गुड़ मिश्रित शहद और गुड़ को मिश्रित कर लें और शिवलिंग पर इसका लेप करें और बेलपत्र अर्पित करें भगवान शिव को और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगे। अगर आपकी राशि कन्या है और आपको लगता है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त करनी है, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और आपको लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई योग्य जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। एक आप हरे पान की पत्ती लें, उसमें हल्दी और सुपारी रखें और सावन के प्रतिदिन आप शिव मंदिर में जाकर, अगर आप प्रतिदिन ना भी कर सकें तो सावन सोमवार के दिन आप ये उपाय अवश्य करें, एक हल्दी और सुपारी एक पान के पत्ते पर रखकर शिव जी को अर्पित करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि जो भी उचित वर या कन्या आपके लिए बनी है उसे आपके जीवन में ला दें। देखेंगे आप कुछ ही दिनों के बाद
कि आपके विवाह के योग बनेंगे और शिव जी की कृपा से आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आपकी राशि तुला है और आपको लगता है कि आपके जीवन में आपके कार्य अधूरे रह गए हैं और लाख प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, धन आपका अटक जाता है, माता पिता भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति है, तो आप शिव जी को मिश्रित अर्पित करें, साथ ही साथ केसर और दूध मिलाकर गंगा जल मिलाकर शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं। इससे आपके जीवन में आपको लाभ होगा और शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप हर सोमवार के दिन 1.25 किलो गुड़ का दान करें, साथ ही साथ रक्त चंदन और गुड़ को मिश्रित करके भगवान शिव की आराधना करें। गुड़ का दान तो आपको करना ही है, साथ ही साथ नंदी को आप गुड़ खिलाएं चना मिलाकर, इससे भी आपको लाभ होगा। और शिव जी की आराधना आप अनार के रस से करें, इससे उनका अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अगर आपकी राशि धनु है और आपको लगता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता रहता है, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं हो रही है, संतान को लेकर आपको समस्या बनी हुई रहती है, साथ ही साथ आपके कोई भी कार्य जीवन में नहीं बन रहे हैं, आप एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी परेशानी में आप फंस जाते हैं, तो ये उपाय आप सावन भर अवश्य करें। आप शिवलिंग में प्रतिदिन जल चढ़ाएं, आप केसर और दूध को मिश्रित कर केले का भोग प्रतिदिन भगवान शिव को लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन के बिगड़े कार्य बनेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शिव भोले भंडारी होते हैं, बहुत ही सरलता से अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। अगर हम भगवान शिव को सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा उन्हें चढ़ाते हैं, तो भगवान ओम नमः शिवाय के मंत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह माँ पुरुषोत्तम माँ है, क्योंकि सावन भी पुरुषोत्तम मास में पड़ेगा। तो आपके पास 19 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है कि आपको भगवान श्री हरि और भगवान शिव की आराधना करने का मौका एक साथ मिल रहा है। तो आप इस अचूक दुर्लभ संयोग को जब हम ईश्वर से सात्विक रूप से आध्यात्मिक रूप से जुड़ सकते हैं, तो अपने मन में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ें, क्योंकि भगवान अपने भक्त से भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से हम भगवान की शरण में जाते हैं, उसी भाव से भगवान हमें अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों को शिव आराधना करने के लिए क्या करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मकर राशि अभी शनि के 7.5 के प्रभाव में है, जिसके कारण मकर राशि का मन काफ़ी विचलित रहता है। कभी उनके जीवन में सारी स्थितियां परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती हैं और कभी उनकी जो परिस्थितियां होती हैं प्रतिकूल होने जाती है। खासकर विद्यार्थियों के लिए जो ये समय काफ़ी भटकाव भरा है, बिजनेसमैन के लिए ये समय काफ़ी भटकाव भरा है, आर्थिक स्थिति बहुत फंसी हुई नज़र आती है, पैसों का बहाव जो पैसों का खिंचाव है रुक सा जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है और आपकी राशि मकर है, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं सरसों तेल से और उन्हें तिल अर्पित करें और ओम शम शमिश्राय नमः ओम नमः शिवाय और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। शिव सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। प्रतिदिन सावन भर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपको एक मानसिक शांति मिलने लगेगी और भगवान श्री हरि और शिव जी के आशीर्वाद से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको ऐसा कौन सा अचूक उपाय करना है, मैं आपको बताती हूँ कि कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो कुंभ राशि सरसों तेल के नीचे दीपक जलाएं हर शनिवार के दिन पूरे श्रावण मास, और प्रतिदिन आप शिव मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें सरसों तेल का, क्योंकि जो भी व्यक्ति शाम के समय शिव मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करता है उसे भगवान शिव का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ ही साथ उन्हें धन कुबेर का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुबेर ने भगवान शिव के मंदिर में अंधकार मिटाने के लिए दीपक जलाया था, जिससे कुबेर को धन का देवता बनने का अधिकार और ये एक उनको सम्मान प्राप्त हुआ। तो जो भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय शिवलिंग के समक्ष सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो अगर इस प्रकार की
कोई भी समस्या आपके जीवन में भी चल रही है तो ये उपाय अवश्य करें। आवश्यकता होती है हमारे श्रद्धा और विश्वास की, कि जितने श्रद्धा और विश्वास के साथ हम ये उपाय करते हैं, भगवान श्री हरि और शंकर भगवान भोलेनाथ की कृपा तभी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मीन राशि वाले जातकों को केसर गंगा जल मिश्रित जल से और दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। केसर से बनी जो मिठाइयाँ हैं भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। और अगर आप बहुत दिनों से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार आप 12 राशियों के अनुसार जो भी आपकी राशि है भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो अचूक उपाय बताती हूँ जो जीवन में अगर कोई विशेष समस्या चल रही है तो आपको करना है। अगर आपके कैरियर में कोई समस्या चल रही है तो आप प्रतिदिन सावन के पूरे 2 महीने नंदी गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग में जाकर 108 चावल के दाने चढ़ाएं। आप देखेंगे आपके कैरियर में आने वाली समस्या और आपको धन की समस्या का समाधान होगा। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोमवार के अलावा जो भी सावन में मंगलवार पड़ रहा है उसमें जो मंगला गौरी का व्रत होता है, सावन सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उस मंगला गौरी के व्रत को करें। आपके विवाह में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, आप देखेंगे कि जैसे ही आपके मंगला गौरी का व्रत पूर्ण होगा कुछ ही दिनों के बाद आपको आपके विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। सावन का जो महीना होता है वो काल सर्प से जनित जो व्यक्ति होते हैं, कुंडली में जिनको काल सर्प दोष होता है, उनको मुक्ति होने का बहुत अच्छा समय होता है। तो आप इस समय त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर अपने काल सर्प दोष की शांति भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के पूरे जो 2 महीने हैं घर के दक्षिण दिशा में सरसों तिल का कुछ काला तिल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही साथ आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप एक नाग नागिन के तांबे का या चांदी का अपने श्रद्धा के अनुसार नाग नागिन का जोड़ा लें, विधिवत उनका दूध से अभिषेक करें और उसे बहते हुए किसी भी नदी में प्रवाहित करें और भगवान भोले भंडारी से ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव है जिसके कारण आपके कार्य में, आपके स्वास्थ्य में, आपके विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में या आपकी ग्रोथ में कमी आती है काल सर्प दोष के कारण, तो उसका समाधान हो और ईश्वर की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से काल सर्प दोष आपका शांत हो। तो सावन मास में अगर काल सर्प दोष हो तो ये उपाय अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन आप शिवलिंग पर नाग भी चढ़ा सकते हैं। भगवान भोले भंडारी के किसी भी शिवलिंग मंदिर के पास आप त्रिशूल भी चढ़ा सकते हैं। भोले भंडारी त्रिशूल और नाग को चढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप उनके मंदिर में डमरू भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और सावन के प्रति सोमवार के साथ साथ सावन के 2 महीने बेलपत्र भगवान शिव को आप जरूर अर्पित करें। बेलपत्र जैसे ही भगवान शिव को अगर हम एक लोटा जल पूरी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास के साथ चढ़ाते हैं और बेलपत्र ओम नमः शिवाय के अनुसार बोलकर हम चढ़ाते जाते हैं तो भोले भंडारी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो ये उपाय आप अवश्य करें। आपकी जितनी भी आयु है और अपने वजन के बराबर आपकी आयु जितनी है उतने बेलपत्र आप भगवान शिव पर ओम लिखकर अर्पित करें। साथ ही साथ 108 बेलपत्र हर सोमवार के दिन आप माला के रूप में या चंदन लगाकर ओम लिखकर भगवान भोले भंडारी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में धन से संबंधित, मानसिक व्याधि से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या है जो आप समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये जो 2 महीने हैं श्रावण के आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि जो इस वर्ष श्रावण मास है वो 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 17 जुलाई तक शुद्र श्रावण रहेगा। 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ 30 अगस्त तक के सावन का महीना रहेगा और 30 अगस्त को ही हम राखी का त्यौहार मनाएंगे। इस बार जो सावन 2 महीना का पड़ रहा है उसका विशेष कारण ये है कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास होने के कारण पुरुषोत्तम मास 4 नहीं 5 महीनों का हो रहा है।
इसके कारण भी श्रावण का महीना 2 महीने का हो रहा है। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बरसे, भोले भंडारी का आपको अपार आशीर्वाद मिले, श्री हरि की कृपा आप पर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं।